सठ तिला एकादशी महात्म्य। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं जा पाते हैं, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्य ऋषि बोले, हे महानुभाव, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके तथा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुण्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा नारियल सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप असरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरी काच्छ, हे कमल नेत्र धारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। पहला, तिल स्नान। दूसरा, तिल का अवटन। तीसरा, तिल का हवन। चौथा, तिल तिलोदक। पांचवा, तिल का भोजन। छठा, तिल का दान। यह सठ तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सठ तिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक की सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शुद्ध शरीर कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृतपिंड दे दिया। उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृतपिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मगृह मिला, परंतु उसने उस घर में अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ,
देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, जब तुम उनसे शटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो शटतिला एकादशी का महात्मा कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने शटतिला एकादशी का महात्मा सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को शटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म के आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नमस्कार। शटतिला एकादशी महात्म्य। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं जा पाते हैं, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्य ऋषि बोले, हे महानुभाव, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा।